हॉस्टल खोलने का क्या मन, क्या विचार है? ये हमारे सरकार की योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये किचन है, ये किचन है, ये भी सब सामान ऊपर से आया है। अच्छा, बच्चों सब कुछ, सब सब कुछ अभी तक हमने कुछ नहीं खरीदा है स्कूल के लिए, हॉस्टल के लिए, सब ऊपर से आया हुआ है। अच्छा ये बताओ बेटा, आप हॉस्टल में रहेंगे और घर से आते थे पढ़ने के लिए, आपको किस चीज़ में फ़ायदा लग रहा है? टाइम बच रहा है मैम, पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी ना हमारे गांव के, बस नहीं जाती थी, अब यहाँ पे टाइम बचेगा और अच्छे से पढ़ाई होगी। हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों के लिए, कितना इनको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा महीने? नहीं नहीं, ये इनको कोई चार्ज नहीं देना है। नहीं हॉस्टल हो सकता है, फ्री खाना वाना को तो देना? नहीं नहीं, नहीं कुछ भी नहीं देना, इनको निःशुल्क है। तो इसका खर्चा कौन उठाएगा फिर? सरकार। अभी आरोही स्कूल के ऑफिस में प्रिंसिपल मैम ममता शर्मा जी के पास बैठा हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आपकी लाइब्रेरी घुमा, पीसीएम, फिजिक्स, सारी लाइब्रेरी में घुमा और सब कुछ, वो एक्सपीरियंस मैंने नोट किए जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं स्कूल में, उससे पहले किसी और स्कूल में थे, अब स्कूल में हैं, तो मैंने पूछा भी सरकारी स्कूल है ये बेस्ट था कि वो बेस्ट था, तो बच्चों ने कहा जी ये बेस्ट था। मैथ की लाइब्रेरी मैंने, मैथ लैब मैंने पहली बार देखी, तो क्या कहना चाहोगे, इतना कुछ बच्चों को नया मिल रहा है इस बारे में? मेरी टीम बड़ी डेडिकेटेड मेंबर्स की टीम है जी, और बच्चे भी मेरे पास एंट्रेंस से आते हैं। अच्छा। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, और बहुत पहले सिर्फ ब्लॉक के बच्चे आ सकते थे यहाँ, फिर हमने ऊपर लिखा, हमारी मीटिंग हुई डायरेक्टर सर से और हमने कहा सर इसको डिस्ट्रिक्ट के लिए खोल दीजिए, तो अब जींद डिस्ट्रिक्ट, असर करनाल, कैथल, सब जगह के डिस्ट्रिक्ट के गाँव से बच्चे मेरे पास आते हैं। अभी मैंने सुना है आपने हॉस्टल भी खोल दिया, हाँ, तो मैं चाहूँगा एक बार हॉस्टल में चले मैम। हाँ, चलिए तो भाई हॉस्टल में चलते चलते रास्ते में बात करेंगे, क्योंकि इस स्कूल की सफाई की बात करूँ तो बड़ी शानदार है और सच में सरकारी स्कूल वाली फीलिंग नहीं आ रही यहाँ पे, यहाँ पे यूँ लगा जैसे प्राइवेट है और बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो अभी मैम हॉस्टल खोलने का क्या मन, क्या विचार है? ये हमारे सरकार की योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, और क्योंकि मेरे पास बच्चे आप ये लगा लो शाम 2 से लेके और इधर अरडाना, असंध, गंगा टेढ़ी, बाहरी बिघाना से भी बच्चे आते हैं, जींद के प्राइवेट स्कूल छोड़ के भी बच्चे मेरे पास आए हैं, कैंडेला और नगूरा, शाहपुर, जीवनपुर, रायचंद वाला, ऐसे ऐसी जगह से बच्चे आ रहे जो लिंक रोड पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, बच्चे तंग होके आते थे। हमारी सरकार भी ये चाहती थी कि बेटियों को पढ़ाना है, उनको उनके सपने पूरे करवाने हैं, तो सरकार ने एक प्रयास किया, हमने साथ दिया। ये हॉस्टल की अभी मैंने रिनोवेशन करवाई है, अब लड़कियां यहाँ रहेंगी तो उनको पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा जी। आज ही मैंने सुबह इसकी इनॉग्रेशन करवाई है, आज ही करवाई है। स्कूल तो आपका को एजुकेशन है, स्कूल सिर्फ लड़कियों के लिए है, हॉस्टल ओनली फॉर गर्ल्स, हॉस्टल फॉर गर्ल्स ओनली। भाई ये है गर्ल्स हॉस्टल आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हसनपुर अलेवा। तो जी ये बच्चे आज इनकी ओपनिंग फर्स्ट डे है? हाँ आज फर्स्ट डे, आज इनको बता दिया, इनकी मीटिंग ले ली है हमने कि ये बच्चे अपने, कल दशहरा है जी, शुभ दिन है, बच्चे अपना सामान लेके आएंगे। सिक्योरिटी पर्पस को लेके? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड है हमारे पास, वार्डन है, एक सिक्योरिटी गार्ड स्कूल में रहता है, एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ, दो रहेंगे, और वार्डन की 24 घंटे की नौकरी है, स्टाफ इनके साथ रहेगा, बच्चों के साथ। स्टाफ में फीमेल या मेल? नहीं, 4 फीमेल है, 1 मेल है। अच्छा ये हॉस्टल में रहेंगी लड़कियाँ? हाँ ये लड़कियाँ, देखो छोटी छोटी बेटियाँ, ये तैयार हैं हॉस्टल में रहने के लिए। हेलो बेटा, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया ना, फिट एंड फाइन? यस सर। ओके तो चलो जी मैम, प्लीज आइए। नमस्कार मैम। तो आज अच्छा अभी श्री गणेश सभी अभी शुरुआत करेंगे इन बच्चों की। आप करो, आओ बेटा, कौन से काम से आते हो आप? ऐसे सिर पे हाथ रखो, इधर आ जा विजय भाई। अरे वेरी गुड, ले पकड़ ले बेटा इसको, अब हाथ उतार ले और चलो अंदर। वेरी गुड, क्या बात है। आप बता दो बेटा आप कहाँ से आते हो? बिघाना मैम। बिघाना से? हॉस्टल में रहोगे? यस मैम। इतने छोटे छोटे बच्चे हॉस्टल की भी सोच रहे हैं? कौन से क्लास में बैठा? मैम सिक्स्थ। सिक्स्थ में? कहाँ से आते हो? मैम भी सर बिघाना। बिघाना से? सारे बच्चे बिघाना के? क्या बिघाना से बस नहीं है सर हमारे पास ना, ओके, ट्रांसपोर्ट फैकल्टी नहीं है हमारे पास, तो बच्चे फिर हॉस्टल में रह के आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने का समय मिलेगा इनको।
तो भाई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर और शुरू हो जाए तो फिर और बेहतर रहेगा, क्योंकि स्कूल कोएड है, लड़के लड़कों को तो फिर भी आना ही पड़ेगा, फिर लड़कों के लिए सुविधा रहेगी। जी जी, तो हम एक बार देख लेते मैम आपका हॉस्टल। जी मैम, ये वार्डन रूम है। अच्छा, ये वार्डन रूम है। मैडम हमेशा रहेंगी यहाँ पर, दिन रात रहेंगी यहाँ पर, 24 आवर्स रेजिडेंशियल स्कूल्स में पूरा दिन रहेंगी। ओके। और ये बच्चों के लिए न्यूज़पेपर का हम अरेंजमेंट करेंगे ताकि बच्चे अपना पढ़ सकें, जीके भी उनका बढ़ सके। ओके। अच्छा, आज हवन हो चुका है। ये हमने सुबह आज हवन करवा दिया है। ओके। आज बेटियों का एक दिन था। जी हाँ, महानवमी, रामनवमी थी आज जी। और फिर बच्चों को हमने, लड़कियों को भी बिठाया था, लड़कियां ही हमारी चीफ गेस्ट थी आज। लड़कियों ने अपने बार को किसी चीफ गेस्ट को बुलाया नहीं, लड़कियों ने अपने हवन में आहुति दी और सरस्वती का और विद्या मंत्र लिया उन्होंने कि, तो सब बेटियां ही मेरी चीफ गेस्ट थी आज। सही बात। तो एक दो रूम में चाहूंगा आप दिखा दें। हाँ जी हाँ जी, मैस एक बार दिखा दें। अच्छा, ये मैस है। हाँ जी हाँ। तो अरे थालियाँ वगैरह सजी पड़ी हैं मैम यहाँ पे, तो ये बच्चों के लिए सारा डिपार्टमेंट से आया है हमारा। ये फर्नीचर आपने बनवाया नहीं? नहीं, मैंने नहीं बनवाया कुछ भी, ये डिपार्टमेंट है। ऑफिस बाहर से इंपोर्ट होके आया है? यस यस, डिपार्टमेंट ने भेजा है, हमने तो इसकी एंट्री करनी है और बच्चों के लिए इसको यूटिलाइज करना है। ओके, नहीं तो इस पे ये भी लगता कि स्कूल पैसे खा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो मामला ही नहीं, नहीं या तो पेपर के अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती हैं। ओके, एज पर नॉर्म्स यहाँ पे हल्दियाँ सजी हुई हैं। आज कंजिकाओं को जिमाया जाएगा। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेटा इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। छोले हैं भाई, हलवा है और रोटियां होंगी। माता रानी का प्रसाद है आज। माता रानी का प्रसाद है। ये किचन है? ये किचन है, ये भी सब सामान ऊपर से आया है। अच्छा, बच्चा सब कुछ, सब कुछ अभी तक हमने कुछ नहीं खरीदा है स्कूल के लिए, हॉस्टल के लिए, सब ऊपर से आया हुआ है। ओके। बनाने वाले चूल्हे सब, तवा और ये सब बर्तन सब ऊपर से हैं। अब मैं चाहूंगा रूम जो भी है। हाँ जी, आपकी यहाँ पे क्या ड्यूटी है जी? स्वीपर है आप यहाँ पे? वार्डन। अच्छा, आपको वार्डन है, 24 घंटे यहीं रहेंगे? हाँ जी। वार्डन बहुत खतरनाक होती है भाई बच्चों। लेकिन लग नहीं रहा खतरनाक है। आपकी ड्यूटी जी? सिक्योरिटी गार्ड जी। सिक्योरिटी गार्ड है। ओके। अच्छा, दो कुक है, एक हेड कुक है और एक असिस्टेंट कुक है। ओके, तो ये दिन रात यहीं रहेंगी बच्चे सब, ये अंदर तो सब महिलाएं ही रहेंगी, अंदर महिला, सिक्योरिटी गार्ड का रूम बाहर दिया हुआ है, वो बाहर ही रहेंगे। ओके। छोटी छोटी बहनें हमारी, बेटियां हमारी बैठी हैं। गुड लक बेटा, गुड लक, ठीक है। और जिंदगी में सबसे ज्यादा मजा इसी जगह पे आता है। दो दिन तो तुम्हें ये लगेगा हमारा मन नहीं लग रहा, लेकिन 2-3 दिन के बाद सच में ही मन यहाँ लगेगा, फिर घर नहीं लगेगा। वैसे घर से रोके कौन कौन आया था हॉस्टल में रहना है? कौन कौन रोके आया था? रोए थे? अरे एक दो तो रोया ही होगा, नहीं रोई कोई भी? अच्छा ये बताओ बेटा, आप हॉस्टल में रहेंगे और घर से आते थे पढ़ने के लिए, आपको किस चीज़ में फ़ायदा लग रहा है? टाइम बच रहा है मैम, पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी ना हमारे गांव के, बस नहीं जाती थी, अब यहाँ पे टाइम बचेगा और अच्छे से पढ़ाई होगी। मम्मी पापा की किचकिच नहीं रहेगी, है ना, सारे दिन डांटते थे, है ना, लेकिन अब यहाँ पे 2 दिन हो सकता है तुम्हारा मन ना लगे, लेकिन 2 दिन के बाद ये सारा यही फैमिली होगी आपकी, ठीक है। गुड लक बेटा, थैंक यू। वार्डन मैम भी कह रहे हैं कि जिस दिन इनको बच्चों को कोई पढ़ाई से संबंधित दिक्कत आई ना, ये इनको पढ़ाई भी करवा सकती हैं, शाम को होमवर्क कराने में भी हेल्प कर सकती हैं इनकी। ओके भाई, पढ़ाएंगे भी यहीं, खिलाएंगे भी यहीं, खींचेंगे भी यहीं। जी मैम प्लीज़ हो गया। तो भाई ये है हॉस्टल वाला रूम। ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ है। अच्छा, एक रूम में सिर्फ दो ही? नहीं, कई रूम्स ऐसे हैं जहाँ 2 बेड हैं और कई रूम ऐसे जहाँ 4 या 5 बेड भी हैं, लेकिन वो बड़े हॉल होंगे, वो बड़े रूम हैं। ओके। अभी आप देखिए कि मेरी ट्यूबलाइट भी चल रही है, पंखा भी चल रहा है,
पर्दे भी लगवा दिए गए हैं बच्चों के लिए, अलमीरा भी ठीक है, कुंडी भी ठीक है, सब चीज़ें हमने बच्चों के लिए दुरुस्त करा। नो 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 नो, पूरा ये भी दोबारा से बनाया, थोड़ा दिमक लग गई थी। अच्छा, अच्छा। और दोबारा से मैंने फरवरी में काम स्टार्ट किया था, वो अब जाके अच्छे से पूरा हुआ है। पंखा चल रहा है, लाइट है, अलमारी है, बेड है, सब चीजें हैं। चल तो रहा है, फिर है। पर्दे भी नए लगवाए हैं बच्चों के लिए। ओके। बच्चों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होगी, और यही हमारा सरकार से वायदा है। मतलब कि ऐसा कि भीड़ भड़ाका नहीं है? नहीं नहीं, 41 कमरे हैं मेरे पास। अच्छा जी। हाँ जी, ये ओपन स्पेस है, बच्चों को प्रोग्राम करना है या जो भी चीजें वो मैडम उनको फंक्शन कराएंगी, कोई सेलिब्रेशन कराती हैं, वो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। तो भाई ये है पूरे आरोही स्कूल की सच्चाई, और सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और हवन से शुरुआत है और सब कुछ आरोही स्कूल में भाई मजे आ गए। सच में सरकार ने पैसा लगा रखा है, वो यूटिलाइज तो है सारा। आजा भाई इधर। तो हमारा दौर यहीं तक था, और जानना चाहता था कि आरोही स्कूल वास्तविकता में है कि। अब जो ये हॉस्टल फैसिलिटी है, ये विषय रहेगा मेरा, हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों के लिए कितना इनको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा महीने? नहीं नहीं, ये इनको कोई चार्ज नहीं देना है। नहीं, हॉस्टल हो सकता है, फ्री खाना वाना को तो देना। नहीं नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं देना इनको, निशुल्क है। तो इसका खर्चा कौन उठाएगा फिर? सरकार। सीरियसली? सीरियसली, हरियाणा पूरी सब्जी जो बनी हुई है, हरियाणा सब कुछ सरकार, हरियाणा सरकार और हमारा शिक्षा विभाग खर्चा उठा रहा है बच्चों से। कुछ तो शुरुआत तो नहीं होगी ना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ 2000 नहीं नहीं, कुछ भी शुरुआत, कुछ भी बच्चों को तो खर्च करना ही नहीं है। और इसके साथ साथ ही मेरे विद्यालय में भी तो 6 से 8 के बच्चे बिल्कुल फ्री हैं। सरकारी स्कूल है टोटली, ये बच्चों को पैसा नहीं देना कुछ भी। ओके। कुछ भी नहीं देना है, निःशुल्क, विश्वास कीजिए आप इस बात पर। नहीं, जब आपने कह दिया तो विश्वास ही है। तो कुछ बच्चे कुछ नहीं लेके आएंगे, पैसे लेके ही नहीं आएंगे हॉस्टल में। अच्छा, जो यहाँ पे टीचर्स अभी जो लगे हुए हैं, पक्के तो है नहीं फिलहाल, लेकिन सरकार उनको पक्का कर देगी जहाँ तक मेरे को पता है, मेरी अपडेट है। आप भी यहाँ पे हैं, तो क्या इन टीचर्स की एंट्री किसी सिफारिश वेस होती है या टेस्ट होता है? कैसे होता है? नहीं नहीं, यहाँ सबका, बच्चे भी मेरे जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, टीचर्स भी। कितने बच्चे आए हैं? सबका एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, फरवरी के सेकंड वीक में हम लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, बच्चे भी? बच्चे तो बहुत ज्यादा आते हैं, अप्लाई करते हैं। okay. वो भी निःशुल्क फॉर्म होता है, स्कूल में आके फॉर्म भरते हैं, उनके लिए भी उनको एक पैसा भी नहीं देना। उन बच्चों को फॉर्म भरते हैं, डेट रखी जाती है एग्जाम की। जींद में 3 आरोही स्कूल है, घसो और नारायणगढ़ और हसनपुर, ठीक है, कैथल में 3 है। तो एक ही दिन सभी स्कूलों का एग्जाम होता है, और उस एग्जाम के बाद जो बच्चे क्लियर होते, ऊपर के टॉप बच्चे, बच्चों का तो टेस्ट से एंट्री होगी। टीचर्स भी सभी की एक पार्टिकुलर इनकी क्वालिफिकेशन है, कोई नेट क्वालिफाइड है, कोई PhD है, कोई MPhil है, कोई MEd है, और उसके बाद भी रिटर्न एग्ज़ाम भी देके आए हैं, क्लियर करके आए हैं, और ये बाद में इंटरव्यू रिटर्न सब कर क्लियर करके तब ये यहाँ पर आए हैं। आपका आपका तो टेस्ट हुआ होगा? नहीं, मेरा तो टेस्ट सबसे ज़्यादा देर तक हुआ था, मैंने भी रिटर्न एग्ज़ाम दिया था। आपका टेस्ट हुआ है? मेरा टेस्ट हुआ है, रिटर्न एग्जाम हुआ है। ये शॉकिंग खबरें लास्ट में मुझे मिल रही है सब कुछ। नहीं नहीं, मैंने ये सोचा पहले, मैंने सोचा कि बच्चों की फीस 2-4 हज़ार रुपए ली होगी। नहीं नहीं, जीरो जीरो। अच्छा, फिर बच्चों की एंट्री होगी? होगी, एंट्रेंस एग्जाम से बच्चे आए एग्जाम। टीचर्स टेस्ट देके आए हैं? टीचर्स भी रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू, वो भी मेरिट बेस्ड, बहुत लोगों ने अप्लाई किया था। टेस्ट हुआ? मेरा तो टेस्ट हुआ, रिटर्न टेस्ट हुआ, साथ साथ मेरा तो इंटरव्यू भी 50 मिनट्स के लिए इंटरव्यू चला था, और 3 IAS ऑफिसर बैठे हुए थे उस इंटरव्यू में। साइकोलॉजी के लिए अलग टेस्ट हुआ था। यहाँ कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो रिटर्न टेस्ट के बिना आया हो। पहले आपका लिखित हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ? हाँ, रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू। HCS का इंटरव्यू 1.5 घंटे का होता है, उस तरीके का इंटरव्यू? 49 मिनट था मेरा इंटरव्यू, 49 मिनट्स। यहाँ छोटे बच्चे से लेके 6ठी क्लास के बच्चे से लेके और प्रिंसिपल तक, सभी अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर, अपने मेरिट और टैलेंट के बेस पे ही आरोही स्कूल में के मेंबर है। और ये खाली हसनपुर ही नहीं जी, पूरे ऑल ओवर हरियाणा। हाँ, ऑल ओवर हरियाणा, सभी जिलों में स्कूल नहीं है ये। सिर्फ दस जिलों में स्कूल है, और 36 ही स्कूल हैं कुल। लेकिन ये बोर्ड पे देखा, आप 2013 से अब तक है यहाँ पे? हाँ, 2013 में मेरा फर्स्ट अप है। बदली बदली नहीं होती? बदली तो जब सरकार कहे करेगी तभी बदली होगी। अच्छा। अपने आप तो हम नहीं जा सकते ना कहीं पर भी।
मतलब सब कुछ ऐसा नहीं है कि आरओई है, स्टाफ प्राइवेट है, अभी नहीं, पक्का नहीं, भी नहीं है। हाँ, तो कुछ सिफारिश भी भारी चल जाए? नहीं नहीं, कोई सिफारिश कुछ नहीं है। हमारी रनिंग पूरे डिपार्टमेंट से ही होती है, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला से। उन्हीं ने जो नियम बनाए हैं हम उन्हीं का ही फॉलो करते हैं। Okay. अपनी मर्जी से हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होता है। अच्छा, जो कुछ भी यहाँ पे आया है वो जैसे अपने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का दिखाया, हाँ, वो सारा सरकार ने भेजा? सारा डिपार्टमेंट ने भेजा। मेरे नहीं कि आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया? नहीं नहीं नहीं, मेरे स्कूल में आपने देखा होगा कि जो बेंचेज हैं स्टार्ट में वो भी यमुनानगर फॉरेस्ट ऑफिस से ही आए थे। पूरी लैब वैब? लैब वैब में भी ग्रांट आती है हमारे पास, सेकेंडरी बी ओ ऑफिस में, डी ओ ऑफिस में, या कहाँ से आती है हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हमारे पास सेकेंडरी की किट्स आ जाती हैं, हम वहाँ से किट्स लेके आते हैं, स्टॉक में एंट्री करते हैं और उन बच्चों को उसको यूटिलाइज करवा देते हैं। बच्चों को नॉलेज बढ़ाने का काम सिर्फ हमारा है, हमें ग्रांट का पता ही नहीं है कहाँ पर ग्रांट आती है। चलो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो भाई यह वीडियो आपने आरोही स्कूल की कैसी लगी और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।